ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका CMA इंटर का ऑडिट। ठीक है, ऑडिट जो आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। 50 मार्क्स की आपकी अकाउंट्स आती है इसमें, इस पेपर में, और 50 मार्क्स का आपका ऑडिट का वेटेज है। ओके, तो आपके ऑडिट में वैसे इन्होंने यूनिट वाइज दे रखी हैं चीज़ें, 6 और 7, दो यूनिट्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे करके आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगी इसमें, और फिर 7 के नाम से आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगी। 6 में जितनी यूनिट्स हैं आपकी, 6 वाले टॉपिक पे जितनी यूनिट्स हैं वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि 6 वाले यूनिट में जो यूनिट्स हैं उनको याद करने का अपना मोटिव ज़्यादा रहेगा। याद करने की चीज़ें 6 वाले यूनिट में ज़्यादा है, और 7 वाले में समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 6 वाली जो आपकी यूनिट है हम इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, हम इसको पढ़ते पढ़ते लर्न भी करते चलेंगे। तो चाहे तो लिख सकते हैं अपने बाद के रेफरेंस के लिए, बाद में आप रेफर कर सकते हैं इसको। जो आपकी 6 वाली यूनिट्स हैं जितनी भी, 6.1, 6.2 जितनी भी हैं, इन सबको अपन क्या करेंगे? लर्न। इसमें लर्निंग पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है। देखो, ऑडिट बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही तुमको बता दूँ, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो हमारा अच्छे से हो जाता है, बट थ्योरी में हमको याद करना पड़ता है, नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट तुमको ये रखना है, पढ़ते पढ़ते ही लर्न करने का भी कोशिश करो। जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो उसी टाइम कोशिश करो कि एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज याद करने की कोशिश की जाए। इससे क्या होगा, तुम जब बुक की लैंग्वेज ही समझ रहे हो, बुक की लैंग्वेज ही याद कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में लिखकर क्या होगे? बुक की लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए मैं तुमको डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, कोई यहाँ पे नोट्स वोट्स आपको रेफ़र नहीं करवा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मॉड्यूल जो है यहाँ पे वो सबसे बेस्ट है। मॉड्यूल से बेटर कुछ नहीं है, मॉड्यूल की लैंग्वेज एज इट इज़ लिख कर आ गए तो बस आपके मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं। तो जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है आपको क्लास में वही पढ़ाया जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, 6 वाली यूनिट जो अपनी थी, मैंने आपको बताया लर्न करने का पार्ट यहाँ पे ज़्यादा है उस यूनिट में। और जो आपकी 7 वाली यूनिट है ना, 7 वाली यूनिट, इसमें अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा फोकस देना, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा ध्यान देना। पूरा ऑडिट का जो सब्जेक्ट है वैसे तो समझने का ही है, ठीक है, समझने का ही है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो आपसे एग्ज़ाम में क्या मांगते हैं? बुक की लैंग्वेज मांगते हैं। अपने मन से लिखकर नहीं आ सकते, ठीक है, अपने मन से लिखकर नहीं आ सकते। लिखनी बुक की लैंग्वेज है, लेकिन अब ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज लिखकर कट कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपको करना क्या है, 100% नहीं रटना है तुमको, जो इम्पॉर्टेंट वाले वर्ड्स होते हैं ना उनको वो लिख कर आओ। 11, 12th में BST पढ़ी है, बोर्ड्स की एग्ज़ाम देकर आए हो, वहाँ पे क्या किया था NCERT में, खाली जो इम्पॉर्टेंट वाले शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट वाली लाइंस हैं वो मेंशन करनी है, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। एग्जामिनर को बार बार ये दिखाने की कोशिश करो कि हमने मॉड्यूल पढ़ाए, हमने मॉड्यूल पढ़ाए, ठीक है, तब जाके तुम्हारे मार्क्स आएंगे किसी भी क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑडिट का 6.1 वाला यूनिट। उससे पहले मैं तुमको बता दूं ऑडिट होता क्या है, ऑडिट क्या होता है। इस क्लास में मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि तुमको जीरो नॉलेज है ऑडिट के बारे में, जीरो नॉलेज है, ठीक है, कुछ नहीं पता है ऑडिट क्या होता है। देखो, कंपनियां जो होती हैं, जो आपकी कंपनीज होती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तुम्हारा जितना भी तुम बैलेंस शीट P&L अकाउंट बनाते हो, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, देन यू हैव योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली ये तीन चार चीज़ें हर कंपनी बनाती है, और अगर वो बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, राइट, तो और भी उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, तो और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें उसको मेंटेन करनी पड़ती है, किसके नाम पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी मेंटेन करती है वो होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो दिया, पब्लिक को दे भी दिया, पब्लिक को दे दिया, क्या पब्लिक ट्रस्ट करेगी उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसमें क्या किया हो, कुछ फ्रॉड किया हो, कुछ एरर किए हो, कंपनी का प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी लॉस में है लेकिन प्रॉफिट दिखा रही है पब्लिक को, प्रॉफिट दिखाकर पब्लिक से पैसा ले रही है, बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये दिखा रही है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फर्स्ट क्लास, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ एकदम नकारे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये एक्चुअल जो पिक्चर है कंपनी की, ये सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा पब्लिक को? इसके लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या होती है? ऑडिट होती है। क्या होती है? ऑडिट। इसीलिए अपन को एक कंपनी की ऑडिट करवानी पड़ती है, ताकि जितने भी लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जाएंगे, जितने भी लोगों को कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे, उनको भरोसा हो पाए कि हाँ कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं हमको वो सही है, उनको कॉन्फिडेंस आ पाए और वो अपना पैसा कंपनी में लगाएं, तो निश्चिंत होकर कंपनी में पैसा लगाएं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी एकदम सही चल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी की ऑडिट हुई है, कंपनी की ऑडिट हुई है, ठीक है, ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कंपनी के बैलेंस शीट पे, पीएनएल अकाउंट पे, हर जगह साइन किया है। ऐसा सुना होगा ना तुमने कि सीए की साइन की बहुत वैल्यू होती है। क्यों होती है उसकी साइन की वैल्यू? क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब एक सीए का साइन आ जाता है, तो ये अपने आप पब्लिक को इस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सीए का साइन है ना, यानी उसने ऑडिट कर ली है, यानी सब कुछ कंपनी में उसने चेक कर लिया है, तो हमें यानी पब्लिक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऑडिट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही होगी क्या? ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही होगी क्या? भाई पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सिर्फ अकाउंट्स ही चेक करेगा ऑडिटर? ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक हो, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी के डायरेक्टर्स में हो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ में हो, वो लोग टाइम से अपना काम नहीं करते, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स ले रखे हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए, उनको लोन चुकाने की कैपेसिटी ही नहीं है, लोन चुकाने की क्षमता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोन लिए जा रहे हैं क्रेडिटर से, अपने क्रेडिटर्स को पैसे टाइम पे नहीं देते हैं, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थोड़ी लिख कर आता है। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीके की ऑडिट होती है। तो ऑडिट आज के ज़माने में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं होती है, ऑडिट कंपनी के ऑडिटर जो होता है वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं वो तो पता लगाना समवॉट ईजी है, समवॉट आसान है, हो जाता है, लेकिन कंपनी एक्चुअल में कैसे चल रही है, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो कैसे चल रहा है, कंपनी का रनिंग अप कैसे चल रहा है, कंपनी कैसे काम कर रही है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरनल कंट्रोल से पता चलती है। इंटरनल कंट्रोल, भाई तुमको बोला कि 6 घंटे सोया करो, 6 घंटे से ज़्यादा की जो नींद है आपके लिए वो आप लोग के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट है, 6-7 घंटे से ज़्यादा एक स्टूडेंट को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने मन में ये चीज़ रूल बना लेते हो तो ये क्या है, आपका इंटरनल कंट्रोल है। हमने अपने लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं वो होते हैं इंटरनल कंट्रोल। वो क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल। वैसे ही तुमको नहीं लगता कंपनी को भी अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि हम कैसे चलें? उसको बोलते हैं कंपनी का इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल की भी ऑडिट होती है, इसकी भी ऑडिट होती है, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तुमको अगर कुछ नॉलेज है तो उसको साइड में रख दो, अभी मैं तुमको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ एडवांस लेवल का, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ की कंपनी में ऑडिट की जा सकती है, इन सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब जिस चीज़ की ऑडिट कर रहे हो ना उसको अलग अलग नाम दिया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हो तो वो अलग तरीके की ऑडिट है, कंपनी कैसे चल रही है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको अलग चीज़ का नाम दिया गया है। कंपनी टैक्स ठीक से दे रही है कि नहीं दे रही है उसको अलग ऑडिट का नाम दिया गया है। सब कुछ ऑडिट, लेकिन अलग अलग तरीके की ऑडिट होती है। सबसे बेसिक ऑडिट कौन सी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट। सबसे बेसिक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, ये तो करवानी ही चाहिए। समझ में आया ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का इंट्रोडक्शन, क्यों ऑडिट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये वो चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक बार मेरा तुमको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब बीच बीच में आती जाएंगी, वैसे तो मैं तुमको बीच बीच में जब भी आएगा एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन बेटर है अगर तुमको पहले से ये चीज़ें दिमाग में डाल दी जाएं। अब
ऑडिट क्या होता है ये तो मैंने तुमको बता दिया, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, कंपनी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है उसको चेक करना, ठीक है। अब ऑडिट जब तुम कर रहे हो, ऑडिट जब तुम कर रहे हो एज एन ऑडिटर, तो ऑडिट की रिपोर्ट कैसे बनेगी, ऑडिट की रिपोर्ट कैसे बनेगी? तो ऑडिटर जो होता है, जो कंपनी की ऑडिट कर रहा है, वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसको अपन बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है भाई। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देते हो ना, सर्टिफिकेट देते हो ना, तुमने CMA का एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है कि तुमने पास किया, तो उसके लिए तुम्हारा मार्कशीट रहता है, ठीक है। वैसे ही कंपनी की ऑडिट हुई है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है ऑडिटर का साइन, ऑडिटर का साइन। ये कहाँ कहाँ पे होता है, ऑडिटर अपना साइन करता है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो मैंने तुमको बताया, ठीक है, प्लस एक ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट उसमें भी उसका साइन होता है। ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो है इशू करता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक को चाहिए अगर कि कंपनी कैसे चल रही है तो ऑडिट रिपोर्ट को आप देख सकते हो, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में जनरली क्या करता है ऑडिटर, ये बताता है कि कंपनी की ऑडिट हम लोगों ने कर ली है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और कंपनी अच्छे से चल रही है या ख़राब से चल रही है वो लिख कर देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। तो उनका जो सर्टिफिकेट होता है ऑडिट का, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ओके, ऑडिट क्या होता है बता दिया, ऑडिट अलग अलग तरीके की होती है ये भी बता दिया, ठीक है। ऑडिटर क्या इशू करता है, क्या गारंटी है कि कंपनी की ऑडिट हुई है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, ठीक है। अब ऑडिट करता कौन है, सबसे बेसिक चीज़, ऑडिट करता कौन है, तो देखो ये तुम आगे पढ़ोगे अपने कोर्स में कि जो कंपनी होती हैं, कंपनीज कौन होती हैं, कंपनी क्या होती है। अगर तुम लोग लॉ पढ़ के आए हो ना, तब तो तुमको पता होगा कंपनी क्या होती है, ठीक है। लॉ में तुम इनडेप्थ में पढ़ोगे कंपनी क्या होती है, फिलहाल मैं तुमको बता दूं, कंपनी ऐसी एंटिटी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी की डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो कंपनी इज एन एंटिटी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, उस वो कंपनी है, ठीक है। उस बिल्डिंग को, उस मॉन्यूमेंट को कंपनी का नाम दे देंगे, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, इसके लिए कंपनीज एक्ट बनाए, कंपनी कैसे चलेगी, इसके काम धाम कैसे होंगे, इसको कैसे A to Z चलाया जाएगा, ये बताता है कंपनीज एक्ट। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट जो है ना, ये बोलता है जितनी भी कंपनीज कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो जो भी कंपनीज है कंपनीज एक्ट में, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करानी है। और वो जो बंदा ऑडिट करेगा वो होना कौन चाहिए, वो होना चाहिए CA प्लस COP होना चाहिए उसके पास, यानी ही शुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, ही और शी शुड बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, प्लस उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपके पास प्रैक्टिस करने का, यानी कंपनी की ऑडिट करने का आपके पास राइट है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशन होता है, ये लोग CA चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जिसके पास, वो लोग कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो कौन करता है कंपनी की ऑडिट, CA करता है, समझ में आई बात। तो ऑडिट क्या होता है मैंने तुमको बताया, ऑडिटर कौन होता है तुमको बताया, ठीक है। ऑडिट होता क्या है ये भी तुमको बेसिक मैंने बता दिया। ये जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है 6.1 वाला यूनिट, इसमें हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट और बाकी कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ोगे। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर जो तुम पढ़ोगे वो है 6.1, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, इसमें जितनी भी बातें तुमको बोली थी वो मैंने तुमको बता दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए वो सही है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, उसकी चेकिंग करवाना ज़रूरी है, इसलिए ऑडिट का कंसेप्ट लाया गया। तो ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग में, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है
कंपनी के मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, गलतियां जानबूझ के भी हो सकती हैं और गलती से भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने या तो गलती से कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया है, आपने जानबूझ कर वो गलती डाली क्योंकि आप फ्रॉड करना चाहते हो। तो फ्रॉड करने की इंटेंशन से या फिर मिस्टेक से आप कोई चीज़ यहाँ पे गलत कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को, फ्रॉड और गलती से, ठीक है, गलती से कर देना, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही ऑडिट ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, एक्यूरेट हो, ठीक है, कंपनी की एक्चुअल पिक्चर दिखे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये ऑडिट का मोटिव है, ठीक है। जितनी भी बातें मैंने तुमको बताई ना, घूम फिर के आप यही सब पढ़ने वाले हो इस पूरे चैप्टर में, 6.1 की यूनिट में, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको इसको बता दिया कि इसमें टोटल चीज़ें क्या दे रखी थी, जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें है, कोई नई बात नहीं है इस पैराग्राफ में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, इसको रीड करने का मतलब नहीं है। एक बार रीड कर लेना, याद मत करना, रीड कर लेना, याद मत करना। देखो, मेरे लिए ये एकदम पॉसिबल है कि मैं तुमको लाइन बाय लाइन रीड करके सब चीज़ें बताऊं, एकदम पॉसिबल है मेरे लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत क्या आती है, जो लाइन्स मैं यहाँ रीड करके तुमको पढ़ाऊंगी वो एग्ज़ाम में आएंगी भी, वो एग्ज़ाम में आएंगी। अगर वो एग्ज़ाम में आएंगी तो ही मैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दूंगी, अगर वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बस एक बार रीड करके तुमको मतलब बता दूंगी, ठीक है, एक बार तुमको मतलब बता दूंगी उस पैराग्राफ का या लाइन का, याद नहीं करना है उसको, ठीक है। हर चीज़ याद करने के पीछे मत भागना, पढ़ा होगा तुमने अपने 11th 12th के BST में, कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। तो इसीलिए जिस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ उसके पीछे भागो, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, ठीक है। सब कुछ याद करना, सब कुछ मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है एक स्टूडेंट के लिए, तो जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही याद करने के पीछे भागो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएगा। बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर पे, 6.1। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है ना, उसको मैं स्टार मार्क करवा देती हूँ, स्टार मार्क करवा देती हूँ। अगर स्टार मार्क करवाया है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको छोड़कर मत जाना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको देखना ज़रूर है। एग्ज़ाम के लिए जब फाइनल रिवीजन करोगे तो वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको आपको जस्ट रीड करना है वहाँ पे मैं लिख दूंगी JR, जस्ट रीड, ठीक है, उसको याद नहीं करना है, बस रीड करना है, ऑलराइट। चलो स्टार्ट करते हैं। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग 6.1। इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि ऑडिट जो है, मतलब क्या होता है ऑडिट का, ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट पहले कैसे होती थी पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ऑडिट कैसे होती है, ठीक है, और ऑडिट के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे जो आपके दिमाग में आएंगे जब ऑडिटिंग करते टाइम, ऑडिट करते टाइम आपके दिमाग में जो बेसिक कंसेप्ट आएंगे ऑडिट से रिलेटेड, उसकी भी क्लैरिटी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। तो अगर आपका 6.1 वाला यूनिट क्लियर है ना दिमाग में, तो फिर आपको आगे जाकर कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से रहेगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करोगे। तो बेसिक नॉलेज जो आपको ऑडिट के बारे में देता है 6.1 वाली यूनिट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना और समझ के फिर याद करने की कोशिश करना, ठीक है, समझना है और अपने को साथ साथ ही याद करते चलना है। मैं तुमको यहाँ पे समझाती भी रहूँगी और याद भी करवाने की कोशिश करूँगी, याद भी करवाया जाएगा तुमको, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, बच्चों को यही चाहिए कि टीचर क्या करे, स्पून फीड करें, टीचर क्या करे, पढ़ाए भी और याद भी करवाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाऊँगी वैसे वैसे ही साइड बाई साइड आपको याद करवाती जाऊँगी। और आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या क्या रिवाइज करना है उसको मैं स्टार मार्क करवाती जाऊँगी। चलो, इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग, इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग, इस पूरे पैराग्राफ में या पूरा पेज कह लो, इस पूरे पेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली हिस्ट्री की बातें की हैं। क्या बातें बोली हैं, हिस्ट्री जो तुमको सबसे गंदी लगती थी अपने स्कूल में,
तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हिस्ट्री में इतना तुमको, यहाँ पे हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देना है। ये लोग बेसिकली इस पूरे पेज में क्या बता रहे हैं कि जो ऑडिट तुम्हारी होती है वो पहले कैसे होती थी, ऑडिट क्यों आया, ऑडिट का कंसेप्ट क्या था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमको मैं एक कंसेप्ट बता दूँ कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट ये लोग कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये कह रहा है कि पहले जो ऑडिट होती थी ना उसमें इतना इनडेप्थ ऑडिट नहीं किया जाता था। सिंपल यहाँ पे क्या किया जाता था, सुना जाता था, सिर्फ सुना जाता था। इसलिए ऑडिट जो आया है और डायर वर्ड से आया है। ऑडिट किस वर्ड से आया है, और डायर, यहाँ पे आपको दिया भी है ऑडिट किस वर्ड से आया है। और डायर वर्ड का मतलब क्या होता है, सुनना, सुनना, ठीक है, सिर्फ सुनना। तो पहले क्या होता था ना, जब अकाउंट्स वगैरह बनते थे राजा महाराजा के टाइम में, उस टाइम क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे। जो ऑडिटर आते थे, जो चेक करने आते थे अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सिर्फ सुन के काम चला लेते थे। सुन के काम चला लेते थे मतलब जिसने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना उससे पूछताछ की जाती थी, सिंपल पूछताछ की जाती थी। और उनसे ये कहा जाता था कि भाई तुमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई लेकिन कैसे बनाई, ये चीज़ सही है कि नहीं है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उनसे मांग ली जाती थी। ऑडिटर वो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग लेता था। ये होता था तुम्हारा ऑडायर के कंसेप्ट में। तो पहले ऑडायर चलता था, उसी से आपका ऑडिट बना है अब। तो पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनते थे, एक्सप्लेनेशन ही लेते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वालों से, और उसी से काम चलाया जाता था। इतना इनडेप्थ एनालिसिस नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। ओके, तो देखो जितनी भी यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री लिख रखी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको आप जस्ट रीड कर लेना, क्योंकि ये इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है ना, ये भी अपनी देश की नहीं है। ये तुम्हारे जो यूरोप, ग्रीक्स, ठीक है, यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री हो चुकी थी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम ये जो डेवलप्ड कंट्री थी जो ऑलरेडी अच्छे से बन चुकी थी, इकोनॉमी अच्छे से चल रही थी जिनकी, उन्होंने ये ऑडिट का कंसेप्ट डाला है। इंडिया में तो बहुत लेट आया था, पहले बाहर ही आया था ये कंसेप्ट, क्योंकि इंडिया का तो डेवलपमेंट ही बहुत लेट हुआ था। तो वहाँ पे ये लोग जो हैं ऑडिट का कंसेप्ट डाले थे, अकाउंट्स भी बाहर वालों ने ही डेवलप की थी, ऑडिट भी उन्होंने ही डेवलप की है। फिर जब वो एकदम डेवलप होकर तैयार हो गई तब वो इंडिया में जाकर आई थी, ठीक है। अब आते हैं कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पे। द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस चेंज ओवर द पीरियड, हेंस इट इज रिक्वायर्ड दैट द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑडिट इज एनालाइज्ड बोथ इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेंस। देखो पहले ऑडिट का इतना इनडेप्थ एग्जामिनेशन नहीं होता था, ऑडिट में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन अब उसका जस्ट उल्टा होता है। अब बहुत ज़्यादा इनडेप्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है, और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ज़्यादा कुछ है अगर तो वो भी चेक करते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से आजकल काम नहीं चलता है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंपनी की चेक की जाती है। तो हम दो तरीके से एक बार ऑडिट को समझने जा रहे हैं। एक तो समझने जा रहे हैं अपन नैरो कंसेप्ट से, कैसे नैरो कंसेप्ट, और एक अपन समझेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। नैरो कंसेप्ट, नैरो मतलब क्या होता है, नैरो मतलब कोई चीज़ एकदम पतली सी है, ठीक है, एकदम सीधे जा रही है और कहीं नहीं, कोई दाएं बाएं नहीं, सीधा। जैसे तुमको बोलते हैं ना कि अगर तुमको अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो तुम्हारा फोकस नैरो होना चाहिए। नैरो फोकस मतलब कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, इधर क्या चल रहा है, दोस्त क्या कर रहे हैं, फ़ोन में क्या चल रहा है, कुछ मत देखो, फोकस सीधा रखो अपने एग्जाम्स की तरफ, ठीक है। तो नैरो फोकस रखना मतलब एकदम सीधे रखना, कोई सिंपल एकदम चीज़ रखना, कोई इधर उधर की बातें नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहले नैरो कंसेप्ट चलता था, ब्रॉड नहीं था, पहले नैरो था। तो नैरो कंसेप्ट मतलब था कि ज़्यादा कुछ ऑडिट में नहीं आता था, पहले ऑडिट में ज़्यादा कुछ पहले इंक्लूडेड नहीं था, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था पहले। तो यहाँ पे आपका लिखा है ऑडिट जो है ऑडायर वर्ड से आया है, ऑडायर एक लैटिन वर्ड है, ऑडायर, ठीक है, इसका मतलब होता है सुनना, इसका मतलब होता है सुनना। तुमसे एमसीक्यू में कभी कभी कुछ पूछ सकते हैं, तो जो तुमसे एमसीक्यू में पूछेंगे ना वहाँ पे भी मैं स्टार मार्क कराऊंगी। कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे तुम्हारा एमसीक्यू बन रहा है वहाँ पे भी तुमको स्टार मार्क करवाया जाएगा, ठीक है।
तो तुम देख सकते हो उसको, ये तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और डायर इसका मतलब होता है सुनना। तो पहले क्या होता था, जिस भी आदमी को चेक करने के लिए अकाउंट्स रखा जाता था ना, वो क्या करता था, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशंस मांगता था, सुनता था, और वो भी रिटर्न फॉर्म में नहीं, सिर्फ सुन के काम चल गया उसका। आजकल तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए होते हैं, सुनने से काम नहीं चलता। पहले वो सिर्फ सुन के काम चला लेता था, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनसे सुन के ही काम चला लेता था, इसीलिए उसको ऑडिटर कहा जाता था। क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नैरो पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो नैरो में पहले की बातें चलेंगी, जिसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब इस पूरे पैराग्राफ में ना तुम कुछ कुछ क्या पढ़ोगे, डेफिनेशंस पढ़ोगे। और ये जो तुम डेफिनेशंस पढ़ोगे ना, ये तुम देखोगे कि जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ना, वो पहले वाले से ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि नैरो पर्सपेक्टिव में भी क्या हुआ था, पहले तो तुम्हारा जो ऑडिट था ना, वो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन अब उसको अच्छा बना दिया। तो टाइम टू टाइम, जब जब ऑडिट में कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, ऑडिट जब 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 अच्छे से उसको बनाया गया, और कुछ चीज़ें डाली गई ऑडिट में, और कंसेप्ट डाले गए ऑडिट में, वैसे वैसे नई नई डेफिनेशंस निकल के आती गई। तो हर ज़माने की अलग एक ऑडिट की डेफिनेशन बन गई। जब ऑडिट नई नई बनी तब उसकी अलग डेफिनेशन थी, 4-5 साल बाद फिर अलग कॉन्सेप्ट्स आए ऑडिट में, और कॉम्प्लेक्स किया गया, तो उसकी अलग एक और डेफिनेशन बन गई। तो आप देखोगे कि हर अगली डेफिनेशन पिछली वाली से बेटर होकर आएगी। देखते हैं, टेलर एंड पेरी बेसिकली दो अकाउंटेंट्स होंगे, उन्होंने अकाउंटिंग ऑडिटिंग के फील्ड के जो लोग थे, टेलर एंड पेरी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। देखो, ऑडिट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंसेस एज सो एज टू इनेबल एन ऑडिटर टू मेक रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट। एकदम सिंपल डेफिनेशन बोली इन्होंने। क्या बोला कि ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किस चीज़ का, कुछ स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स का। स्टेटमेंट ऑफ फिगर क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फिगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, कंपनी का एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, खर्चे कितने हैं, ठीक है, इनकम कितनी है, ये सब लिखते हो ना, तो फिगर्स ही तो होते हैं, नंबर ही तो होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फिगर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन, ठीक है, छानबीन करना, इन डेप्थ स्टडी करना, छानबीन करना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो ऑडिट एक छानबीन करने का तरीका है, किस चीज़ का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं। एविडेंस मतलब प्रूफ, किसी चीज़ का प्रूफ मांगते हो ना कोर्ट में, जैसे कोर्ट में तुम मूवीज़ वगैरह देखते हो तो क्या बोलते हैं वो, कि सबूत पेश किया जाए, ठीक है, तो सबूत को बोलते हैं, प्रूफ को बोलते हैं एविडेंस। यहाँ पे एविडेंस के बेसिस पे काम होता है, ठीक है। ऑडिट में जितने काम होते हैं ना, जितने भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट बनाते हो, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, आप बताते हो कि कंपनी ठीक से चल रही है या खराब चल रही है, ये ऐसे ही तो बताओगे नहीं, तो इसीलिए ऑडिटर प्रूफ लेता है कंपनी, क्या क्या प्रूफ है कि कंपनी अच्छे से चल रही है या क्या प्रूफ है कि कंपनी खराब चल रही है, ये ऑडिटर ऑब्टेन करता है, कंपनी से ले लेता है। तो एविडेंस के बेसिस पे वो ये इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर फाइनली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे एक रिपोर्ट बनाता है। समझ में आया? चलो, लेकिन ये डेफिनेशन तुमको याद नहीं करनी है, ऑडिट की एक डेफिनेशन तुमको याद करनी है, वो तुमको स्टार मार कराऊंगी, उसको अच्छे से घोल के पी जाना तुम, ठीक है, उसको मैं याद कराऊंगी तुमको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, फिर एक और ऑडिट की डेफिनेशन आई, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ ऑडिट का, तो उसमें एक और डेफिनेशन आई। An audit denotes the examination of balance sheet and profit and loss account. Balance sheet और profit and loss account का examination मतलब भी वही होता है, छानबीन करना, ठीक है, छानबीन करना, in depth analysis करना, in depth study करना, examine करना कि सब कुछ सही है कि नहीं है। तो examination होता है balance sheet और profit and loss account का, which is prepared by others together with the books of accounts and vouchers. इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम दिया। एग्जामिनेशन किसकी करोगे? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और किसका एग्जामिनेशन करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, अपने P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सबको शॉर्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसकी भी ऑडिट की जाएगी, वाउचर्स की भी ऑडिट की जाएगी। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर होते हैं रसीदे, सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका मतलब होता है रसीदें। ठीक है, तुम शॉप पे जाके सामान लेकर आते हो, भाई तुम्हारी मम्मी तुमको बोलती है जा दही लेकर आ, ठीक है, तो चलो दही का तो कोई रसीद तुमको देगा नहीं, तुम बहुत बड़ा शॉपिंग करके लाए कंपनी का, घर का, नॉट कंपनी का, घर का तुम पूरा सामान लेकर आए, रसोई का पूरा सामान लेकर आए, ठीक है, ग्रॉसरी का सामान लेकर आए, उसकी तुमको रसीद मिलेगी। तो तुम्हारी मम्मी ने पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है, कितने ही रुपये लगे हैं, इतने ही रुपये लगे शॉपिंग करने के, इसका क्या सबूत है? तुम वहाँ पे बोलोगे ये देखो मुझे दुकान वाले ने रसीद दी है, ये रसीद में जो रुपया लिखा है ना इतना ही मैंने खर्च किया है। ठीक है, तो आपने अपनी मम्मी को यहाँ पे रसीद दी दुकान वाले से, ये प्रूफ हो गया। वैसे ही ऑडिटर को भी ऐसे सिंपल काम नहीं चलता है, ऑडिटर को भी कंपनी से पूछना पड़ता है क्या प्रूफ है कि तुमने इस आदमी को इतनी सैलरी दी, क्या प्रूफ है कि तुमने इतना खर्चा किया, क्या प्रूफ है इसका। तो उसके लिए वाउचर यूज़ किए जाते हैं, रसीदें चेक की जाती हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहा है ये ऑर्डर, ये काम कर क्यों रहा है, उसको क्या ज़रूरत है वाउचर वगैरह चेक करने का, इतना मेहनत क्यों करता है वो। ठीक है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, क्या करना है, तसल्ली देनी है खुद को, खुद को सेटिस्फाई करना है, खुद को तसल्ली देनी है कि कंपनी ठीक से चल रही है। अगर ऑर्डर को तसल्ली है कि कंपनी ठीक से चल रही है तो ही वो रिपोर्ट में अच्छा अच्छा लिखेगा, तो ही कंपनी की रिपोर्ट में वो अच्छा अच्छा लिखेगा ऑडिट रिपोर्ट में, वरना वो खराब लिखेगा, वरना बोलेगा मुझे तसल्ली ही नहीं है कंपनी ठीक से चल रही है तो आई विल नॉट इश्यू अ प्रॉपर रिपोर्ट, तो उसमें वो खराब बातें लिखेगा कंपनी के बारे में। तो इसीलिए वो उसको अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और रिपोर्ट करेगा कि उसके ओपिनियन में, और रिपोर्ट में क्या लिखेगा, खुद को तसल्ली देकर रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि उसके ओपिनियन में, ऑडिटर के ओपिनियन में ये जो बैलेंस शीट है ये प्रॉपरली बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, प्रॉपरली बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है, और ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू मतलब सही और फेयर मतलब जैसा है वैसा ही, ठीक है, कोई उसमें टैम्परिंग नहीं, कोई उसमें आपने छेड़छाड़ नहीं की, जैसा बना है वैसा ही दिखा हमको, तो वैसा ही दिखा दो, क्योंकि कंपनी की ट्रू पिक्चर देखना ही हमारा मेन मोटिव है कि कंपनी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसका हमको एक्चुअल इमेज दिखाओ। ठीक है, तो ट्रू एंड करेक्ट व्यू देखना ज़रूरी है, उसको चाहिए कि ट्रू एंड करेक्ट व्यू उसको मिल जाए, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और जो भी उसको एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो सही है कि नहीं है, जो भी एक्सप्लेनेशन ऑडिटर ने मांगे कंपनी के मैनेजमेंट से वो सारे एक्सप्लेनेशंस करेक्ट थे, ट्रू थे, फेयर थे या नहीं थे। ठीक है, तो उसको इसलिए अपने आप को तसल्ली देनी है ऑडिटर को, इसलिए वो इतनी मेहनत करता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स चेक करता है, रसीदें चेक करता है, वाउचिंग चेक करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रूफ लेता है कि बताओ सबूत क्या है कि ये चीज़ तुमने की है, ये ट्रांसैक्शन सच में कंपनी ने किया है, इसका प्रूफ क्या है, ये प्रूफ इकट्ठे करता है, क्योंकि उसको अपने आप को तसल्ली देनी है कि कंपनी ठीक से चल रही है, क्योंकि अगर उसने अपने आप को तसल्ली नहीं दी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ओपिनियन देता है ऑडिट रिपोर्ट में, उस ओपिनियन में क्या बोलेगा कि कंपनी ठीक से नहीं चल रही है क्योंकि मैं एज एन ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, तो ओपिनियन देना है उसको, तो गलत सलत चीज़ें अगर आप करोगे कंपनी में तो ऑडिटर खराब बातें बोलेगा ओपिनियन में, और अगर सही चीज़ करते हो, सच में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली बनाते हो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हो, तो आपका जो ऑडिटर है वो ओपिनियन में अच्छा अच्छा ही लिखेगा। इसलिए ऑडिटर जो है उसको बहुत पूछा जाता है कंपनी में, आप कभी ऑडिट करने जाओगे तो देखोगे आपके सामने बहुत सारी किशमिश, बादाम और पता नहीं क्या, चाय, कॉफ़ी बार बार पूछते रहते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऑडिटर हमसे बिगाड़ के चले, वो लोग नहीं चाहते हैं, वरना ऑडिटर अगर बिगड़ गया तो वो खराब खराब कंपनी के बारे में बोल सकता है। आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन किसी ने बोली कि ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है बुक्स एंड रिकॉर्ड्स का ऑफ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एसर्टेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड रिजल्ट देयरऑफ। क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं, ये प्रोफेसर बोल रहे हैं कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। क्या है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन।
तो एग्जामिनेशन तो अपन ने ऊपर पढ़ाई था ना कि एग्जामिनेशन है ऑडिट, तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। हाँ ठीक है, सही है, किस चीज़ का? बुक्स ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, तो वो ऊपर बोल दिया उन्होंने बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ये ऊपर भी आया था नीचे भी आया, ठीक है। तो इसमें और ये क्यों कर रहे हैं अपन ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ऑडिटर क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन, ताकि क्या कर सके, वेरीफाई कर सके और रिपोर्ट कर सके, रिपोर्ट यानी ओपिनियन बना सके, रिपोर्ट में ओपिनियन लिखेगा ना, तो उसको रिपोर्ट बनानी है कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो हैं उसके वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस डेफिनेशन में कुछ भी नया नहीं आया अपने पास, कुछ भी नया अपने हाथ में नहीं आया इसमें, जो ऊपर था वही आ गया, तो ये ज़्यादा डेवलप्ड डेफिनेशन नहीं थी, बस एक नया वर्ड डाल दिया इन्होंने सिस्टमेटिक, वरना था तो एग्जामिनेशन ही, सिस्टमेटिक वर्ड नया डाल दिया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर एक और डेफिनेशन देखो, आप देखोगे कि हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ अलग आएगा। ऑडिटिंग में भी डिफाइंड एज इंस्पेक्टिंग, अब देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द यूज किए हैं, क्या क्या शब्द यूज किए हैं, इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग, रिव्यूइंग, वाउचिंग, एसर्टेनिंग, स्क्रूटिनाइजिंग, एग्जामाइनिंग एंड वेरीफाइंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या क्या हो रहा है, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या क्या हशर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट किया पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इंस्पेक्ट मतलब चेक करना, इंस्पेक्ट करना कि ठीक से जो चीज़ लिखी है तुमने वही चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, अपने मन से तो कुछ नहीं लिखा तो इंस्पेक्ट किया। कंपेयर किया, कंपेयर किसी भी तरीके से कंपनी को किया जा सकता है। सपोज करो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या हैं शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो आप जब किसी कंपनी में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो क्या देखते हो कि कंपनी पिछले साल कैसा चल रही थी, इस साल कैसा चल रही है, दूसरी कंपनी जो है वैसी ही कंपनी जैसी आप शेयर लगा रहे हो जिस कंपनी के, वैसी ही एक और कंपनी है, तो वो कंपनी अच्छा चल रही है, ये कंपनी ख़राब क्यों चल रही है, इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों को मिलाओगे, कंपेयर करोगे कि दूसरी कंपनी और इस कंपनी में क्या फ़र्क है, तो कंपेयर होता है। तो ऐसे ही ऑडिटर भी कंपनी को कंपेयर करता है, कंपनी का पिछली साल तो प्रॉफिट था, इस साल लॉस है, क्यों भाई लॉस क्यों है, इस साल ऐसा क्या हो गया, इस साल लॉस ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो कंपेयर करना ज़रूरी है, हर तरीके से कंपनी को घुमा फिरा के सब तरीके से देखा जाता है। जैसे जब आप देखते हो ऐसे गर्ल्स की जब शादी होती है, अरेंज मैरिज बेसिकली, तो उसमें आप देखते हो कि यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स चलते हैं कि चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, घूम के दिखाओ, है ना, दूसरी लड़की के सामने खड़ा करके देखा जाता है कि आप दोनों ठीक हो कि नहीं हो, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो अरेंज मैरिजेस में ये चीज़ें होती हैं, ऑडिट में भी ऐसा ही होता है, यही होता है, ठीक है। ऑडिटर क्या कर रहा है, हर तरीके से चारों एंगल से कंपनी को देखना चाहता है कि कहीं भी कुछ डिफेक्ट नहीं हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पहले तो कि जैसे दिख रहे हो एक्चुअल में वैसे हो कि नहीं हो, दूसरे कंपेयर कर रहे हैं, किसी और कंपनी से कंपेयर करने लग गए या कंपनी को ही उसके पिछले साल से कंपेयर करने लग गए, चेक कर रहे हो, चेकिंग इंस्पेक्टिंग इज सेम थिंग, वर्ड अलग अलग यूज़ करते हैं, चेक करना मतलब वही चेक करना कि एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं तो लिखे हैं कि नहीं है, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया जो इंपॉर्टेंट था। रिव्यू करना, अगेन रिव्यू करना मतलब एक बार चेक कर लिया दोबारा उसको व्यू करना, रिव्यू इज व्यूइंग अनदर टाइम, यानी फिर से चेक कर रहे हो उसको, एक बार चेक कर लिया दोबारा एक बार उठाकर देख रहे हो कि मैंने सब सही तो चेक कर लिया ना कंपनी के बारे में। वाउच कर रहे हो, वाउचिंग मतलब वही कंपनी की रसीदें देखना, कंपनी की रसीदें देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो रसीदें, अगर आपको हिंदी बेटर समझ में आती तो रसीदें लिख लो या फिर रिसीट लिख लो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो रिसीट्स, ठीक है। तो रसीदों को रिसीट्स बोलते हैं, उनको चेक करना कहलाता है वाउचिंग। ये आगे बहुत बड़ा टॉपिक है वाउचिंग का, इसको बाद में अपन पढ़ेंगे वाउचिंग। तो ये भी आप चेक करते हो, एसर्टेन करते हो, एसर्टेन मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करना, एग्जामाइन करना, चेक करना, ठीक है, कि ठीक से आपने कंपनी चलाई है कि नहीं चलाई है, सबको एक ओवरऑल तरीके से देखना, फाइनल कंक्लूजन पे आना। स्क्रूटिनाइज करना, स्क्रूटिनाइज मतलब होता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन। देखो शब्द अलग अलग है, मतलब सबका सेम है, चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है और इंस्पेक्शन करना है, बस शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं। एग्जामाइन करना, अगेन एग्जामिनेशन करना, और ये वेरीफाई करना कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उस बिजनेस के, ये ट्रू और करेक्ट आइडिया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का।
जैसे कंपनी चल रही है वैसा ही अपने बारे में शो कर रही है कि नहीं कर रही है? कंपनी फेक इमेज तो नहीं बना रही है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? कंपनी ये तो नहीं कह रही है कि मेरी मेरा प्रॉफिट है तो मेरा प्रॉफिट आज इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, ठीक है, ये बोल रही है, लेकिन एक्चुअल में तो लॉस में है, एक्चुअल में तो इतना ज़्यादा बोरोइंग ले रखा है कंपनी ने, चुकाने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। कंपनी के इम्प्लॉयज़ ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई 12 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, 10 बजे का टाइम है जबकि उनका, तो कंपनी ठीक से चल नहीं रही है लेकिन फेक इमेज क्रिएट कर रही है। उसको चेक करना ऑडिटर का काम है, उसको चेक करना ऑडिटर का काम है कि कंपनी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, ट्रू और करेक्ट आइडिया अपना रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे चल रही हो, जैसे आपका काम चल रहा है वैसा ही शो करो पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को ही पैसा लगाना है कंपनी में, और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओगे तो कंपनी चल नहीं पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो पब्लिक से ही लेना है, ठीक है। अब देखो, फिर एक और अपनी आती है, एक लास्ट डेफिनेशन नैरो कॉन्सेप्ट के लिए। ये अभी भी जितनी डेफिनेशन तुम पढ़ रहे हो ना, ये भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। एक डेफिनेशन ऐसी बताऊंगी जो एकदम सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन है, ठीक है, वो तुमको अच्छे से घोल के पीनी है। इनको तो आप रीड करके छोड़ो, इनको रीड करके छोड़ो, इसलिए मैंने स्टार मार्क नहीं कराया यहाँ पे। देखो, ऑडिट सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ बुक्स ऑफ बिजनेस एज विल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। क्या कर रहा है ऑडिट? ऑडिट इज एन, यहाँ पे इज लगा लेना, ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। अगेन एग्जामिनेशन हमने पढ़ लिया कि एग्जामिनेशन करना है अपने को, चेक करना है अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रसीदों को तुम चेक कर रहे हो ढंग से, क्यों? ताकि ऑडिटर खुद को तसल्ली दे पाए, खुद को सेटिस्फाई कर पाए कि जो ये बैलेंस शीट है ये ढंग से बनाई गई है, प्रॉपरली ड्रॉन अप, यानी ढंग से बनाना एकदम, ठीक है, अच्छे से बनाया है आपने, और ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हो स्टेट ऑफ अफेयर्स का। क्या दे रहे हो? ट्रू एंड फेयर व्यू, जैसे चल रहे हो डिटो वैसा ही आपने पब्लिक को भी बता रखी है ये चीज़, लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, एंड वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू पी एन एल अकाउंट भी देना चाहिए, यानी इन्होंने क्या बोला, बैलेंस शीट भी ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए और पी एन एल अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे देगा? बैलेंस शीट होता क्या है, एक साइड लाइबिलिटीज, एक साइड एसेट्स। तो तुम्हारे पास एसेट्स मान लो 10 लाख की है, ठीक है, लेकिन तुम अपने बैलेंस शीट में शो कर रहे हो हमारे पास तो 50 लाख की एसेट्स हैं, तो आप यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो, ज़्यादा दिखा रहे हो, ठीक है, जितना आपके पास एसेट है ही नहीं। एसेट होना अच्छी बात है ना, तो एसेट होना तो अच्छी बात है, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी एसेट्स हैं लेकिन एक्चुअल में आपके पास कम है, तो आप अपने आप को ज़्यादा बेटर दिखा रहे हो लेकिन आप हो नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बैलेंस शीट में नहीं होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर दिखाओ, जितना बैलेंस शीट में आपके एसेट है एक्चुअल में भी उतना ही एसेट है आपके पास, जितना बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है एक्चुअल में भी उतना ही उधारी है आपके पास, ठीक है। पी एन एल अकाउंट कैसे आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देता है? पी एन एल अकाउंट आपका क्या बताता है? प्रॉफिट या लॉस बताता है, तो अगर प्रॉफिट जितना है उतना ही प्रॉफिट दिखाओ, लॉस जितना है उतना ही लॉस दिखाओ, खर्चे जितने हैं उतने ही खर्चे दिखाओ, इनकम जितनी है उतनी ही इनकम दिखाओ, ये होता है ट्रू एंड फेयर व्यू जो आपका पी एन एल अकाउंट बताना चाहिए। ठीक है, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये बताना है कि वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है इन सब चीज़ों से तो वो रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कंपनी के चलने से, ठीक है, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लग रहा, तो वो अपना ओपिनियन पब्लिक को बता देगा, और किस चीज़ के बारे में वो सेटिस्फाइड नहीं है वो ये भी बता देगा, ठीक है। इसीलिए अब फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, नैरो कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट था। मैं यहाँ पे मैंने एक भी डेफिनेशन क्यों नहीं चार मार्क कराई, क्योंकि इसमें से कोई भी डेफिनेशन सर्वगुण संपन्न नहीं है और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये पहले होता था, अब तो बहुत डेवलप हो गई है ऑडिट, तो इसीलिए इसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी था इसलिए इसमें टाइम लगाया है। आगे देखो, तो पूरा कंफ्यूजन क्या निकलता है नैरो कॉन्सेप्ट का, पूरा कंफ्यूजन निकलता है, इन नैरो सेंस, दस इन नैरो सेंस द स्कोप ऑफ ऑडिट इज लिमिटेड टू ओनली ऑथेंटिकेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पूरी डेफिनेशन में, जितनी भी डेफिनेशन अपन ने 4-5 पढ़ी, इस पूरी डेफिनेशन में कहीं भी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामाइन करने के अलावा कोई और काम देखा क्या ऑडिटर का? वाउचर्स चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, कुल मिला के सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आता है, जहाँ भी फिगर्स नंबर्स होते हैं वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के अलावा यहाँ पे तुमको ऑडिटर कुछ और करता हुआ नजर आया क्या? नहीं आया। तो इसलिए नैरो कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि आजकल ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड जाना पड़ता है। बियॉन्ड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी आगे चले जाओ, कंपनी का इनडेप्थ एनालिसिस करो पूरा। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना रही है तो एक्चुअल में भी वो ठीक ही चल रही है। तो इसलिए आजकल ऑडिट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आगे जाकर कंपनी को चेक करना। इसीलिए यहाँ पे कहीं भी आपने कोई और वर्ड नहीं देखा, सिर्फ बैलेंस शीट, पी एन एल अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, वाउचर्स, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही वर्ड्स देखें। तो इसीलिए नैरो सेंस में सिर्फ ऑडिट लिमिटेड है टू चेकिंग द ऑथेंटिकेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, ऑथेंटिक मतलब एक्चुअल, ट्रू एकदम, जैसे बाहर हो वैसे ही, जैसे पंदर हो वैसे ही बाहर हो, ठीक है, ये होता है ऑथेंटिक का मतलब। तो ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, सिर्फ यही मोटिव होता था पहले। पहले सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं बनी है, इतना ही सोचता था ऑडिटर, इससे ज़्यादा सोचता ही नहीं था कंपनी के बारे में। इसीलिए उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, एक्यूरेसी चेक करना और रिलायबिलिटी चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी चेक करना और रिलायबिलिटी चेक करना, पहले क्या मोटिव था, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, करेक्शन, करेक्ट, ठीक से बना है कि नहीं बना है, जो एक्चुअल में है वैसा ही दिखना चाहिए, ये होता है करेक्ट, कोई गलती नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, एक्यूरेट एकदम, ये होता है एक्यूरेट का मतलब। अगर एक्यूरेसी चेक करोगे, रिलायबिलिटी भी चेक करोगे। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ एक्यूरेट है यानी सही है तो उसके ऊपर भरोसा तो कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा कितना कर सकते हो उस पर, वो चेक करना, ठीक है। तो पहले उसका मोटिव क्या होता था, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बस कंपनी के बारे में नहीं, पूरी कंपनी का ओवरऑल चेकिंग नहीं करते थे, सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चेक होते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी और उसकी रिलायबिलिटी, बस काम खत्म ऑडिटर का। ये था पहले के ज़माने में नैरो पर्सपेक्टिव में, ठीक है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो आपका है वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो आपके आज के ज़माने के हिसाब से सूट करता है। ये सब पहले की बातें हैं जब उसका फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही था और कुछ कंपनी में चेक करता ही नहीं था ऑडिटर। तो ये सिर्फ आपको रीड करना है क्योंकि ये कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कितने नए नए शब्द सीखे, ट्रू एंड फेयर, ये सब आगे आते हैं, ये सब वर्ड्स आगे आएंगे, ट्रू एंड फेयर, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, वाउचिंग, ठीक है, ये सब तुमने अभी इसमें पढ़ा है। तो ऑल दो ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ज़रूरी था आपकी, ठीक है। स्टार मार्क कराती अगर ये इंपॉर्टेंट होता एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ तक आपको पढ़ाया है वहाँ तक आपको लर्न करके आना है, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको, ये जो सर्कल वगैरह करती हूँ ना, मैं सर्कल्स वगैरह करती हूँ, इसका कोई मतलब है, ये ऐसे ही नहीं किया है, ये सर्कल्स वगैरह आपके दिमाग में शब्द जाने चाहिए। अभी तुमको फर्स्ट क्लास में कुछ याद नहीं करना है, एक बार रीड करके आओ, जब याद करना होगा मैं बता दूंगी, अभी सिर्फ रीड करके आओ, रीड करके आओ, एक बार समझ कर आओ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ में कम आएगा अगर पिछला वाला लेक्चर एक बार रिवाइज करके नहीं आओगे। तो एक बार रिवाइज करके आओ जहाँ तक पढ़ा है, फिर अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच।